नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेटर्स और उनकी पत्नियों के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप भारतीय क्रिकेटर्स को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स और उनके पत्नियों के बारे में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों नंबर एक पर आते हैं MS धोनी। MS धोनी ने साक्षी धोनी से शादी की थी 4 जुलाई 2010 को और उनको बेटी भी है जिनका नाम जीवा धोनी है। इसके बाद नंबर दो पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने रितिका सचदेव से शादी की थी 13 दिसंबर 2015 को और उनको एक बेटी भी है जिनका नाम समीरा शर्मा है। इसके बाद नंबर तीन पर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की थी 11 दिसंबर 2017 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम वामिका है। इसके बाद नंबर चार पर आते हैं हार्दिक पंड्या। हार्दिक नताशा स्टैनकोविच से शादी की थी 2020 में और दोस्तों उनको एक बेटा भी है जिनका नाम अगस्त्य है। इसके बाद नंबर पाँच पर आते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह ने हेजल किच से शादी की थी 31 नवंबर 2016 को। दोस्तों नंबर छः पर आते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 24 मई 1995 को अंजलि तेंदुलकर से शादी की थी और दोस्तों उनको एक बेटा भी है जिनका नाम अर्जुन तेंदुलकर है और एक बेटी भी है जिनका नाम सारा तेंदुलकर है। इसके बाद नंबर सात पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने आरती अहलावत से शादी की थी 22 अप्रैल 2004 को और दोस्तों उनको दो बेटे हैं, एक का नाम आर्यवीर है और दूसरे का नाम वेदांत है। और दोस्तों नंबर आठ पर आते हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने नताशा जैन से शादी की थी 28 अक्टूबर 2011 को और दोस्तों उनको दो बेटियां भी है, एक का नाम अनैजा और एक का नाम अजीन है। इसके बाद नंबर नौ पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने शादी की थी संजना गणेशन से 2021 में। दोस्तों नंबर 10 पर आते हैं मनीष पांडे। मनीष पांडे ने अश्रिता शेट्टी से शादी की थी 2 दिसंबर 2019 को। इसके बाद नंबर 11 पर आते हैं ऋषभ पंत। खबरों के मुताबिक ऋषभ पंत ईशा नेगी को डेट कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 12 पर आते हैं इरफान पठान। इरफान पठान ने शादी की है सफा बेग से 4 फरवरी 2016 को और दोस्तों उनको एक बेटा भी है जिनका नाम इमरान खान पठान है। इसके बाद नंबर 13 पर आते हैं शिखर धवन। शिखर धवन ने शादी की थी आयशा मुखर्जी से 30 अक्टूबर 2012 को और दोस्तों उनको एक बेटा भी है जिनका नाम जोरावर धवन है। इसके बाद नंबर 14 पर आते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ने शादी की थी गीता बसरा से 29 अक्टूबर 2015 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है दोस्तों जिनका नाम हिनाया है। दोस्तों नंबर 15 पर आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने सबसे पहले शादी की थी निकिता विजय से 2 मई 2007 को। इसके बाद 2012 में उनका तलाक हुआ और दोस्तों इसके बाद दूसरी शादी की थी दीपिका पल्लिकल से जिनकी शादी 18 अगस्त 2015 को हुई थी। इसके बाद नंबर 16 पर आते हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना ने प्रियंका चौधरी से शादी की थी 3 अप्रैल 2015 को और दोस्तों इनको एक बेटा है जिनका नाम रियो है और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम ग्रेसिया है। दोस्तों नंबर 17 पर आते हैं जहीर खान। जहीर खान ने सागरिका घाटके से शादी की थी 23 नवंबर 2017 को। इसके बाद नंबर 18 पर आते हैं ईशान शर्मा। ईशान शर्मा ने प्रतिमा सिंह से शादी की थी 10 दिसंबर 2016 को। इसके बाद दोस्तों नंबर 19 पर आते हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से शादी की थी 22 दिसंबर 2020 को। इसके बाद नंबर 20 पर आते हैं स्टुअर्ट बिनी। स्टुअर्ट बिनी ने मयंक तिलंगर से शादी की थी सितंबर 2020 को। तो दोस्तों नंबर 21 पर आते हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने प्रीति नारायण से शादी की थी 13 नवंबर 2011 को और दोस्तों उनको दो बेटियां भी है, एक का नाम आखिरा है और दूसरे का नाम आद्या है। दोस्तों नंबर 22 पर आते हैं शुभमन गिल। खबरों के मुताबिक शुभमन गिल सारा तेंदुलकर को डेट कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 23 पर आते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने विजेता पेंडारकर से शादी की थी 4 मई 2003 को और दोस्तों उनको दो बेटे भी है जिनका नाम, एक का नाम समित है और एक का नाम अन्वय है। इसके बाद नंबर 24 पर आते हैं रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ने शीतल गौतम से शादी की थी मार्च 2016 में और दोस्तों उनको एक बेटा भी है दोस्तों जिनका नाम नीले नॉलन है। इसके बाद 25 पर आते हैं ईशान किशन। खबरों के मुताबिक ईशान किशन अदिति हुंडिया को डेट कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 26 पर आते हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ने डोना गांगुली से शादी की है 21 फरवरी 1997 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम सना गांगुली है। नंबर 27 पर आते हैं रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने शादी की थी रीवाबा सोलंकी से 17 अप्रैल 2016 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम नित्याना है। नंबर 28 पर आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण ने सलाइजा से शादी की थी दोस्तों जिनको
एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। बेटे का नाम सर्वजीत है और बेटी का नाम अचिंत्या है। दोस्तों नंबर 29 पर आते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने राधिका दोबकर से शादी की है 26 सितंबर 2014 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम आर्या है। इसके बाद नंबर 30 पर आते हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ने पूजा पाबरी से शादी की है 13 फरवरी 2013 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम अदिति है। इसके बाद नंबर 31 पर आते हैं मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी ने हसीन जहां से शादी की है 6 जून 2014 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम आयरा है। नंबर 32 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने शादी की है देविशा शेट्टी से 7 जुलाई 2016 को। नंबर 33 पर आते हैं उमेश यादव। उमेश यादव ने तानिया वाधवा से शादी की है 29 मई 2013 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है। नंबर 34 पर आते हैं आशीष नेहरा। आशीष नेहरा ने शादी की है रुश्मा नेहरा से 2 अप्रैल 2009 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। बेटे का नाम अरुष है और बेटी का नाम अरिना है। दोस्तों नंबर 35 पर आते हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने शादी की है सुष्मिता रॉय से 18 जुलाई 2013 को। दोस्तों नंबर 36 पर आते हैं धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी ने श्रद्धा खारुपुड़े से शादी की है 3 मार्च 2016 को। इसके बाद नंबर 37 पर आते हैं एस श्रीसंत। एस श्रीसंत ने भुवनेश्वरी कुमारी से शादी की है 12 दिसंबर 2013 को और दोस्तों उनको एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। बेटे का नाम सूर्याश्री है और बेटी का नाम श्री सानविका है। दोस्तों नंबर 38 पर आते हैं मोहम्मद कैप। मोहम्मद कैप ने पूजा कैप से शादी की है 25 मार्च 2011 को और दोस्तों उनको एक बेटा भी है जिनका नाम कबीर है और एक बेटी भी है। दोस्तों नंबर 39 पर आते हैं पार्थिव पटेल। दोस्तों पार्थिव पटेल ने अवनी जवेरी से शादी की है 9 मार्च 2008 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम वेनिका पटेल है। दोस्तों नंबर 40 पर आते हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने चेतना रामतीर्था से शादी की है 1 जुलाई 1999 को और दोस्तों उनको एक बेटा है और दो बेटियां हैं। बेटे का नाम मयास है और दोस्तों बेटियों के नाम एक का नाम स्वाति है और दूसरी का नाम आरुणी है। इसके बाद 41 पर आते हैं कपिल देव। कपिल देव ने शादी की थी रोमी भाटिया से 1989 में और दोस्तों उनको एक बेटी भी है जिनका नाम अमिया देव है। दोस्तों नंबर 42 पर आते हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने मार्शनेल गावस्कर से शादी की है 23 सितंबर 1974 को और दोस्तों उनको एक बेटा भी है जिनका नाम रोहन गावस्कर है। इसके बाद नंबर 43 पर आते हैं मुरली विजय। मुरली विजय ने शादी की है निकिता विजय से 2012 में और दोस्तों उनको एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। बेटे का नाम निवान है और बेटी का नाम ईवा है। इसके बाद नंबर 44 पर आते हैं कृणाल पंड्या। कृणाल पंड्या ने पंखुरी शर्मा से शादी की है 27 दिसंबर 2017 को। इसके बाद नंबर 45 पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने शादी की है नूपुर नागर से 23 नवंबर 2017 को। दोस्तों नंबर 46 पर आते हैं अंबती रायडू। अंबती रायडू ने चेनापुल्ली विद्या से शादी की है 14 फरवरी 2009 को और दोस्तों उनको एक बेटी भी है। दोस्तों नंबर 47 पर आते हैं विजय शंकर। विजय शंकर ने वैशाली विश्वेश्वरन से शादी की है 2020 में। इसके बाद नंबर 48 पर आते हैं पीयूष चावला। पीयूष चावला ने अनुभूति चौहान से शादी की है 29 नवंबर 2013 को और दोस्तों उनको एक बेटा भी है जिनका नाम एडविक है। दोस्तों इसके बाद नंबर 49 पर आते हैं मोहित शर्मा। मोहित शर्मा ने श्वेता जायसवाल से शादी की है 8 मार्च 2016 को। इसके बाद नंबर 50 पर आते हैं विनय कुमार, जिन्होंने शादी की है ऋचा सिंह से 29 नवंबर 2013 को। इसके बाद नंबर 51 पर आते हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने आफरीन खान से शादी की है 27 मार्च 2013 को और दोस्तों उनको बेटे भी है। बेटे का नाम तो अयान है। इसके बाद नंबर 52 पर आते हैं केएल राहुल। खबरों के मुताबिक केएल राहुल आतिया सेट्टी को डेट कर रहे हैं। इसके बाद नंबर 53 पर आते हैं टी नटराजन। दोस्तों टी नटराजन ने पवित्रा नटराजन से 4 जून 2018 को शादी की है। इसके बाद उनको एक बेटी भी है जिनका नाम हनविका है। दोस्तों इसके बाद नंबर 54 पर आते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन ने चारुलता सैमसन से शादी की है 22 दिसंबर 2018 को। दोस्तों नंबर 55 पर आते हैं राहुल चाहर। राहुल चाहर ईशानी से जल्द ही शादी करने वाले हैं और उनकी एंगेजमेंट भी हो गई है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा।